श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर बुढ़पुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी दीपक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं कहीं, यहाँ पर बुढ़पुर जगह पड़ता है दिल्ली में, खाटू श्याम से पहले वहीं पे एक राधा कृष्ण मंदिर है, तो आज वहीं जाने का प्लान है। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मंदिर जाते हुए, तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी किचन में चलते हैं, क्या बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन। तो फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया है फ्राई राइस। डिशु के पापा को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, अब रिशु ने और मम्मा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हमारा रिशु क्या करने जा रहा है? नहाने जा रहा है ना बाबू? नहाने जा रहा है, फ्रेश होने जा रहा है अब, है ना? कह दो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। बोल दो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर मिलते हैं, है ना बेटा? रिशु नहा धो के फ्रेश है और अब ये खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ अब किचन में गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। ये मैंने गाजर रख लिया है घिस के और अब थोड़ी देर में आएंगे रिशु के पापा। रिशु मुझसे दूर बिल्कुल भी नहीं रह पाता है। मैं भी छत पे गई थी कपड़ा लाने के लिए तो देखो रो रहा है, परेशान कर रहा है मेरे गोदी आने के लिए। ये है हमारा रिशु जिसको आज नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 3 बज गए हैं और ये लड़का आज सोया नहीं है। इसको मज़ा आ रहा है आज घूमने में, मस्ती करने में, मम्मा को परेशान करने में। तो गाइज, अब मैं पी रही हूँ सूप गर्मा गर्म, ये रहा, और रिशु खेल रहा है। मैं दिखाती हूँ अभी, देखो ये हमारा रिशु राजा है, खेल रहा है। अब थोड़ा देर में रिशु राजा के पापा आएंगे, फिर हम लोग अब रेडी होंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर। भाई कहाँ जा, कहाँ की तैयारी हो रही है? मंदिर किसके साथ भाई? आप लेके जाओगे, डायपर नहीं तारे बाबू का? मुझे बताया तुमने? नहीं बताया। मुझे बताया तुमने उसका? तो अब तो बता दिया। मतलब यार कहीं जाना है, तुम खुद तैयार हो गई हो और लास्ट में मुझे बता रही हो, तो क्या हो गया? ये सरप्राइज है क्या मेरे लिए? हैं? अब हम दोनों रेडी है, बाइक स्टार्ट। बाइक स्टार्ट कर, मैं तैयार नहीं होऊंगा क्या? है रिशु बेटा, पापा तैयार नहीं होंगे क्या? पापा को दिखाना थोड़ी है, फिर आप किसी को? सही से डायपर तो कर लो, कैसे मुड़ रहा है उसका ऊपर कमर से? कमर से इसकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाहर घूमना है तुमको? मंदिर जा रहे हैं हम लोग भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। कौन सा मंदिर जा रहे हैं भाई? वही जहां इतनी सारी दवाइयां रखी है ऋषि की, देखिए कितनी सारी, ये बच्चा इतनी सारी दवाई खाता है। जहाँ से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, मुझे देखने आए थे फर्स्ट टाइम। तो हर बार तुम वहीं जाती हो क्या? वहां जाके क्या याद दिलाती हो मुझे कि मैं ही बर्बाद हुआ हूँ? मैं भी तो साथ में। यार रिशु का टोपी, कैप कहाँ है? कैप पहना रही हूँ, इसको सॉक्स पहनाना है। इसका दूध बाबू, ये नहीं जाने के मूड में भाई। रिशु क्यों रो रहा है? क्या हुआ रिशु? ये अभी पहनना नहीं चाहता शूज। शूज नहीं पहनना चाह रहा रिशु, क्या हुआ बेटा? दूध ले चलना है इसका बोतल, वैसे पिएगा तो है। फिर 5-10 मिनट में तो आ जाओगे, सामने मंदिर है। हाँ, है? पर अभी दूध पिया था इसने? हाँ, पिया था वैसे थोड़ा। मम्मी कहाँ गई है भाई? मम्मी साथ छत पे होंगी। छत पे इतने ठंड में क्या कर रही है? अब तो धूप भी नहीं है। वो शायद पेड़ पौधों को मम्मी पानी देने गई होगी। कभी तुम भी चले जाया करो, तुम्हें ख्याल नहीं आता क्या? कहने को तुम उत्तराखंड से हो, पेड़ पौधों को तुमसे पानी नहीं दे जा रहा है। बच्चा भी तो है यार,
रेडी है। इसका कैप कहाँ है, 10 बार बोलना पड़ेगा क्या? देखो हमारा रिशु रेडी हो चुका है। रिशु बेटा क्यों रो रहे हो? ये देखो पैर कैसे मार रहा है, ये कैसे मार रहा, बहुत शरारती भाई, बहुत शरारती। नहीं मिली तो भाई रिशु जाना बाबू कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो ये कि मुझे बताया नहीं। रिशु रेडी हो चुके हैं, मैं तो क्या रेडी हुआ, मुझे तो बताया भी इन्होंने कि कहाँ जाना है घूमने के लिए। और बाबू हमारा तैयार हो चुका है। कौन सा कैप? पिंक वाला। भाई तो तुम्हें पता होगा ना यार, मुझे थोड़ी नहीं पता। तो छत पे से नहीं लाए होगे, भूल गए होंगे। फ्रेंड्स तो अब हम लोग जा रहे हैं आज शिव जी के मंदिर। वैसे वो हनुमान मंदिर है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स तो चलते हैं अब हम लोग मंदिर। मैं और ईशु हम दोनों रेडी हो गए हैं भैया, अभी जा रहे हैं हनुमान मंदिर। ठीक है, तैयार हो चुके हैं चलने के लिए अब। ठीक है रिशु, हवा चल रही है बहुत, कम्बल में बिल्कुल लपेट रखना। भैया हम आ रहे हैं। ठीक है चलो दोस्तों, तो फिर आ रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं रोशनी। रिशु बेटा पहुंच गए हैं, बाइक हमारी लग चुकी है यहाँ पर। और ये रहा हमारे घर के सामने बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर। ये बूटपुर गांव जीटी करनाल रोड पे पड़ता है। ये एंट्रेंस है इसका। आओ रोशनी चलो दोस्तों अंदर चल के दिखाता हूँ। जय श्री राधा कृष्ण। जैसे ये सबसे पहले शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी है यहाँ के, यहाँ पर हाथ वाथ धो लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं ना थोड़ा। मैं हैंड वॉश करके आता हूँ थोड़ा। पहले शिव मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आगे मेन मंदिर है, ये पूरा सीढ़ियाँ चढ़ के, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर है, काफ़ी ग्रीनरी है। शूज उतार रही है रोशनी। रिशु यही रख दो, अब हैंड वॉश करके आ जाओ। चलो क्या हो गया हाथ में? लाओ मैं पकड़ लेता हूँ। चूड़ी का भी कलर निकल रहा है ना। चलो चलो आप इसे पकड़ लोगे? लाओ मैं पकड़ लेता हूँ बाबू। हम लोग शिव जी का दर्शन कर लिए हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग मेन मंदिर में जा रहे हैं। ये मेन मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है ये, फैमिली के साथ आने वाला है। जब शादी के बाद मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तो मेरी गाड़ी यहीं पे रुकी थी, और मैं सबसे पहले इसी मंदिर में आई थी राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले ये हनुमान जी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो सब लोग मिलके एक बार बोलो हनुमान जी की जय। जय श्री राम। हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है ये। जय श्री राम। चलते हैं अब बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। अब मैं पंडित जी से टीका लगवा चुकी हूँ और प्रसाद भी ले लिया है मैंने पंडित जी से। दोस्तों ये राधा कृष्ण और बलराम जी हैं, यहीं पे मेरी एंगेजमेंट हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ में। इस मंदिर में इसीलिए अक्सर आती हूँ क्योंकि मेरा रिश्ता इसी मंदिर से जुड़ा था। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये राधा कृष्ण और बलराम जी की। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। अच्छा सुनो ना, कुछ याद आया आपको? हाँ क्या याद आया? हम लोगों को यहीं पे छोड़ा था बैठने के लिए, शायद इस वाले में ना। हाँ इस पे यहीं पर बैठे हुए थे हमने बात की थी ना।
यही बात शर्मा रहे थे बात करने में, घबरा है। तुम तो बहुत शेरनी की तरह बैठी हुई थी यार। फर्स्ट टाइम मिलूंगी किसी अनजान इंसान से, तो अब देखो कंबल इसका पीछे से हट रहा है, ठंड लग जाएगी। अब तो हमारे जनाब भी आ गए। और फोटो कहाँ क्लिक की थी हम लोगों ने? यहीं पे हमने फ़ोटो क्लिक की थी। और अब आ गए राम सीता और लक्ष्मण जी के मंदिर में हम लोग। यहाँ शेरों वाली माता भी है, जय माता रानी। अब हम लोग साथ में घंटी बजा रहे हैं। माता रानी हमारी जोड़ी सलामत रखे, जय माता रानी। बच्ची की तबीयत ठीक हो जाए। वाकई में माता रानी की खूबसूरती का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर प्रतिमा है माता रानी की। और अब ये देखिए रिशु के पापा रिशु को चलना सिखा रहे हैं मंदिर में। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। रिशु चल रहा है पापा का उंगली पकड़ के अपने। अरे बेटा आ जा, आ जा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलेगा। अब बाबू चलेगा। छोड़ दो इसको, लिटा दो, नहीं चलेगा। फ्रेंड अब शाम हो गई है और अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, मैं अक्सर यहाँ पर आती रहती हूँ। जय बजरंगबली, बोलो बजरंगबली की जय। जय राधा कृष्ण। अरे मैं भी हूँ बाबा, मैं भी हूँ ना। दोस्तों ये मंदिर का पार्क है जो मंदिर के नीचे ही है, और बहुत सुंदर पार्क है। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, पूरी अली फैली है और कीड़े मकोड़े का भी डर नहीं है, पूरी साफ़ सफाई है यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर है। अब हम लोग ये दूसरे वाले पार्क में जा रहे हैं अभी, जो मंदिर के लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर रिशु की मस्ती इसके पापा के साथ में कितना मजा आ रहा है। ए पापा बेटू नाच रहे हैं, अरे बाबा डांस कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, कितना खुश हो रहा है ये। एक सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को, दिन भर तो रिशु मेरे साथ रहता है लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार ही अपने पापा को करता है। देखो कितना खुश है ये अपने पापा के साथ में। वाकई में बच्चों का फर्स्ट लव पापा ही होते हैं। चलो चले क्या, थकावट नहीं होती क्या? खाना भी बनाना है, कल सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। बोल दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बाय। अब घर पे मिलते हैं। ये है हाईवे पे तो नहीं बना पाएंगे। एग्जिट, एग्जिट भी वही है जहाँ से एंट्रेंस थी, है ना। और हाईवे पे इससे में ट्रक चलता है। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना कि हाईवे पे तो ट्रक चलता है, तो इसलिए अब घर पे जाने के बाद ही मिलेंगे। अभी तो खाना वगैरह भी बनाना है। अब देखो अंधेरा हो गया, ठंड का टाइम है ना, ओस भी गिर रहा है, इसलिए बच्चा छोटा है तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा ना। एक बार बोलो सब लोग राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। शूज पहन रहा है रिशु। रिशु भूख लग रही बेटा?
आप मुझे इसका कंबल दे दो। बाबू का कंबल दे दीजिए। ये लो कंबल। मेरी चुन्नी है। अब हमारा रिशु बिल्कुल तैयार हो चुका है। रास्ता ज्यादा नहीं, 5 मिनट का ही है बाइक से हमारे घर का। चलते हैं। शाम के पास में ही है। जय श्री राधे, जय बजरंग। शाम को घूमने आते हो तो यहाँ बुकिंग करने आना, बहुत ही अच्छा मंदिर है। बहुत सुंदर है, पीछे तक भी है, पूरी पीछे मतलब गार्डन टाइप का बना हुआ है, बहुत सुंदर है। जय श्री राधे, जय बजरंग। ये अपनी बाइक खड़ी है, चलना है। आज मैंने बाइक पे बाइक कवर लगवाया है। ये फिर से मैं एक बार और दिखाऊंगा। ये गेट है, कभी खाटू श्याम मंदिर से आएंगे तो रास्ते में पड़ेगा ये मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है, श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर। ये गेट, ये रोड है, ये सर्विस रोड है। ये NH1 है, इसी से खाटू श्याम के लिए जाते हैं। और ये उसका बगल में सर्विस रोड है। ये रोड सीधा स्वरूप नगर जहांगीरपुर जातपुर को जा रहा है, और ये जा रहा है खाटू श्याम मंदिर को पूरा एकदम। फ्रेंड्स, अब हम लोग घर आ गए हैं और हमारे रिशु रो रहे हैं, इनको भी घूमना ही है। रुको, अभी रो रहा था, इसको फिर जाना था घूमने के लिए। ओहो, बाहर अब अंधेरा होने को है, मतलब ये समझ लो हो ही गया। मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वैसे आप लोगों को पता ही है मैं हाउसवाइफ हूं, अभी ज़्यादा मेरा बाहर आना जाना तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा मेरे साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, राधे राधे।